वेलकम टू सी एस सी क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा। डीएस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं एरे इंसर्शन की। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एरे ट्रेवर्सल की, उसमें हमने एल्गोरिदम, प्रोग्राम और एग्जांपल देखा था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी लगा दूंगी, आप उसे भी जाकर मेरी वीडियो को बहुत ईजिली देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरे इंसर्शन। एरे ऑपरेशन के अंदर जो सेकंड ऑपरेशन आता है वो आता है एरे इंसर्शन। एरे इंसर्शन का मतलब होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं एरे के अंदर, किसी भी स्पेसिफाइड लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये एरे इंसर्शन जो है तीन टाइप से कर सकते हैं हम। इंसर्शन फर्स्ट टाइप है, इंसर्शन एट बिगनिंग। इंसर्शन एट बिगनिंग का मतलब ये है कि हमें अपने एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। ठीक है, यानी जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स जीरो है वहाँ पे हम एलिमेंट को क्या कराना है, इंसर्ट कराना ही क्या कहलाता है, इंसर्शन एट बिगनिंग कहलाता है। ठीक है, अब ये जो जीरो इंडेक्स है ये हमारा स्टार्ट इंडेक्स है, और ये जो थ्री आएगा हमारा वो क्या होगा, हमारा एंड इंडेक्स होगा। और ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, यानी हमारा जो साइज़ है वो कितना होगा, फाइव होगा इस एरे का। और हमें अपने स्टार्टिंग इंडेक्स पे एलिमेंट को क्या कराना है, इंसर्ट कराना। सेकंड टाइप है हमारा इंसर्शन एट एंड। जैसा नाम है वैसा ही काम है, हम क्या करेंगे अपने एंड यानी हमारी जो अपर बाउंड है जहाँ पर हमारा लास्ट एलिमेंट है वहाँ पर हम क्या कराएंगे, अपने एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, यानी 12 जहाँ पे है हमारा थ्री इंडेक्स है वहाँ पे हम अपने एलिमेंट को क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि वो हमारी अपर बाउंड है। थर्ड टाइप है हमारा इंसर्शन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। इसमें क्या है कि हम एरे के किसी भी लोकेशन में, आप चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे आप किसी भी लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हैं एरे के अंदर। तो ये तीन तरीके से एरे इंसर्शन हो सकता है, इंसर्शन एट बिगनिंग, इंसर्शन एंड इंसर्शन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। एरे के अंदर हम तीनों तरीके से क्या करा सकते हैं, इंसर्शन करा सकते हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन होगी, क्या एग्जांपल होगा, ये जब भी मैं एल्गोरिदम बताऊंगी विद एग्जांपल तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एट बिगनिंग की एल्गोरिदम को समझने से पहले हम उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एल बी क्या होती है। एल बी होती है हमारी लोअर बाउंड। ये मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन टू एरे में भी बता चुकी हूँ कि एल बी होती है हमारी लोअर बाउंड। यू बी हमारा होता है अपर बाउंड, और जो हमारा साइज होता है वो होता है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस एरे के अंदर आ सकते हैं, डेट इज कॉल्ड साइज ऑफ एरे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि ए फिफ्टी। ए फिफ्टी का मतलब यह है कि एक एरे है जिसका नाम है ए और उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं 50। यानी जो हमारा इंडेक्स होगा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो चलेगा 0 से लेके 49 तक का, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं इसके अंदर 50। अब जैसे ही हमने मेमोरी में 50 लिखा तो हमें एक ना एरे एलोकेट हो गया ए नाम से मेमोरी के अंदर, और जिसका जो साइज बन गया वो 0 से लेकर कहां तक बना, 49 तक बन गया। अब जरूरी नहीं है अगर मैंने साइज 50 दिया है तो उसके अंदर 50 नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं डिक्लेयर करूंगी। यहां ये जो एरे है इसका इंडेक्स 0 से 49 बना है, लेकिन जो मैंने एलिमेंट डिक्लेयर करा है वो 40, 50, 1 एंड 2, यानी 4 एलिमेंट्स को ही मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो 0 है हमारा एलिमेंट इंडेक्स पे वो हमारा क्या होगा, एलिमेंट लोअर बाउंड में आएगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा इस एरे के अंदर वो हमारे अपर बाउंड के अंदर आएगा। ठीक है, और तो ये हमारे लोअर बाउंड अपर बाउंड हो गई, और जो ये हमारा 49 है ये होगा हमारा मैक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमारे 50 मैक्स था तो 49 हमारा क्या होगा, मैक्स माइनस 1 होगा हमारा इस एरे के अंदर, और अपर बाउंड वो होगा जो हमारा लास्ट एलिमेंट है। और ज़रूरी नहीं है जो अपर बाउंड है वो इक्वल हो हमारे मैक्स माइनस 1। मैक्स वो होता है जहाँ तक हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एरे के अंदर आ सकते हैं, और अपर बाउंड होती है जो लास्ट एलिमेंट हमने डिक्लेयर किया जाता है। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में एक एरे है और उस एरे को हमने नाम दिया है ए और साइज दिया है 50, यानी उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं एरे के अंदर वो कितने आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, यानी मैक्स और जो हमारा एन होगा वो क्या होगा, हमारा 50 होगा। तो जब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 50 आ सकता है तो उसका इंडेक्स चलेगा 0 से लेके 49 तक। आप चाहें तो 1 से लेके 50 तक का इंडेक्स भी चला सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया है, हमने कैसे डिक्लेयर किया, यहाँ लिखा है इंटीजर। इंटीजर का मतलब यह है कि जैसे हमने इंटीजर लिखा,
मेमोरी के अंदर जो से साइज़ एलोकेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 bytes का साइज़, एक सेल को मिल जाएगा। फिर हमने लिखा है एरे का नेम, एरे का नेम है ए और उसमें लिखा है 50, 50 उसका साइज़ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें आ सकते हैं 50, लेकिन हमने यहाँ डिक्लेयर सिर्फ 4 एलिमेंट करें 2, 4, 5, 6। जैसे ही हमने ये लाइन लिखी वैसे ही मेमोरी के अंदर क्या होगा, 0 से लेके 49 तक का जो स्पेस है मेमोरी सेल है वो एलोकेट हो जाएंगे और एक सेल का साइज़ होगा 2 bytes। ठीक है, अब जो भी एलिमेंट डिक्लेयर करे वो इसमें कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर होते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो हमारा 0 index है ये हमारा होगा लोअर बाउंड और जो हमारा लास्ट एलिमेंट जहाँ स्टोर हुआ है वो हमारा क्या होगा, अपर बाउंड कहलाए। जो हमारा मैक्सिमम है वो हमारा 50 है, तो जो हमारा 49 है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स माइनस 1 हो जाएगा, यानी 50 - 1 यानी 49 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इंसर्शन एट बिगनिंग। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है उस पर हमें एलिमेंट को क्या कराना है, एलिमेंट को इंसर्ट कराना है स्टार्ट इंडेक्स पे। जो स्टार्ट इंडेक्स है वो है हमारा यहाँ पे 0 और एलिमेंट है 2। अब हमें क्या करना है, एक न्यू एलिमेंट 50 इंसर्ट कराना है इस स्टार्टिंग इंडेक्स पे। अब इसके लिए क्या होगा, इंसर्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन सबसे पहले चेक करनी पड़ेगी, डैट इज ओवरफ्लो कंडीशन। इसमें ओवरफ्लो क्या होगा कि अगर एक भरा हुआ ग्लास है और मैं उसे फिर से भरना चाहूँ तो वो कंडीशन क्या आएगी, ओवरफ्लो कंडीशन के अंदर आएगी। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे जो एरे है वो है मैक्सिमम माइनस 1 तक का एरे है हमारा और हमारा जो अपर बाउंड है वो हमारी क्या है, 6। अब मैं फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊँ एरे के अंदर, तो अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें हमारे एलिमेंट है 2, 3, 4, 5, 6, यानी जो इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 होंगे, यानी जो हमारा साइज़ होगा वो कितना होगा, 5 होगा, यानी एरे का साइज़ है 5 और उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, यानी जो उसका अपर बाउंड है वो इक्वल टू क्या है, उसके मैक्स माइनस 1 पे है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो एरे है वो पूरा भरा हुआ है, तो भरे हुए एरे में के अंदर हम क्या कराएंगे, एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते। तो ऐसी जो भी सिचुएशन होगी, यानी अपर बाउंड अगर इक्वल हो जाएगी हमारे मैक्सिमम माइनस 1, तो हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, हमारी ओवरफ्लो कंडीशन होगी, यानी हमारा जो एरे होगा वो कैसा होगा, वो भरा हुआ होगा। तो जब कोई चीज़ पहले से ही भरी हुई है तो हम उसके अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो थिंग है वो दोबारा से इंसर्ट नहीं करा सकते, तो डेट कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन। तो सबसे पहले आप एरे करा रहे हो, स्टैक ले रहे हो, लिंक लिस्ट ले रहे हो, सबसे पहले हमें जो कंडीशन चेक करनी है डैट इज़ अ ओवरफ्लो कंडीशन। इन केस में क्या होगा कि हमारी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं होगी और हमें अपने 0 index पे क्या कराना होगा, एलिमेंट को इंसर्ट कराना होगा, लेकिन यहाँ पे जो जगह है वो खाली नहीं है। खाली जगह कहाँ पे है, हमारे 4 index पे, और मैं 2 को यहाँ 4 पे एकदम से नहीं भेज सकती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा 6 है यानी जो 3 index पे एलिमेंट है उसे कहाँ पे भेज देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स यानी 4 पे, और 5 है 2 index पे उसे हम 3 index पे भेज देंगे यानी एक नेक्स्ट इंडेक्स पे, 4 को हम भेज देंगे 5 element के प्लेस पे और 2 को भेज देंगे 4 के प्लेस में। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। हम 50 को इस 0 index पे क्या करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इंसर्शन एट बिगनिंग का। ये अब एल्गोरिदम देख लेते हैं, इंसर्शन एट बिगनिंग की एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक एरे होगा, एरे का नाम है ए, हमारे पास ए नाम का एक एरे है जिसका जो साइज़ है वो हमारा क्या है, या तो मैक्सिमम मान सकते हो आप उस साइज़ को, या फिर उसे मान सकते हो एन साइज़ का हमारे पास एरे है, यानी जो उसका इंडेक्स चलेगा वो 0 से लेके चलेगा मैक्सिमम माइनस 1 या फिर एन माइनस 1 तक का साइज़ जो है उसका चलेगा, इंडेक्स चलेगा, या फिर आप इसे 1 से लेके मैक्स तक का भी या और एन तक का भी साइज़ क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सभी एग्जांपल में भी बताया था, सबसे पहले जो कंडीशन चेक होगी वो ओवरफ्लो की कंडीशन जो हमारी है वो चेक होगी, ओवरफ्लो की कंडीशन। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि अगर एरे पहले से ही फुल होगा तो हम उस पर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते, डैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ किया है, तो अगर आपको डायरेक्टली प्रोग्राम भी अगर आपको लिखना पड़ा ना तो आप बहुत इजीली प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हमारे पास में एक एरे है जिसमें इंडेक्स 1, 2, 3 यानी जो उसमें टोटल जो उसका साइज है वो क्या है, हमारे पास 4 है, इंडेक्स है 0 से लेकर 3 तक, यानी जो 4 है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम माइनस 1 है। अगर यही हमारा अपर बाउंड हो जाती है, मतलब हमारे जो पूरा एरे है वो क्या है, पहले से ही भरा हुआ है, इसमें सारे एलिमेंट है, जितना उसका मैक्सिमम साइज है उतने उसके अंदर क्या है, एलिमेंट है, तो ये कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, ओवरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इफ और एल्स
else के थ्रू प्रोग्राम लिखा है, तो आपने बेसिक सी में क्या है इफ एल्स कंडीशन पड़ी हुई है, तो सिंपली आप इसका क्या कर सकते हैं ऊपर हेडर फाइल वगैरह लगा के बहुत ईजिली इसी को आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं, इफ अगर जो हमारी अपर बाउंड है वो किसके इक्वल हो रही है, मैक्सिमम माइनस वन के इक्वल हो रही है, यानी जितना उसका साइज है उतने उसके अंदर एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ओवरफ्लो कंडीशन राइट कर देंगे, प्रिंट करा लेंगे और हम इस पूरे लूप से इस पूरे एल्गोरिथम से बाहर आ जाएंगे। ये थी इसका केस नंबर फर्स्ट। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम सेकंड कंडीशन में जाएंगे ही नहीं, और अगर ये ट्रू नहीं होती है तो डायरेक्ट हम कहाँ चले जाएंगे एल्स में जाएंगे। एल्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस डेटा को हमें जिस एलिमेंट को इंसर्ट कराना है उसे रीड करने का काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एरे है जिसमें हमारा जो साइज़ है वो 50 है, यानी जो हमारा इंडेक्स चलेगा वो हमारा 0 से लेके 49 तक चलेगा, एलिमेंट हम उसमें क्या है कम ही इंसर्ट करा रहे हैं, कम ही डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5, यानी टोटल जो हमारे एलिमेंट है वो 4 है, और हमारे हमें क्या करना है जो 50 एक न्यू एलिमेंट है उसे हमें अपने 0 इंडेक्स पे, यानी जो हमारी बिगनिंग है उसमें क्या कराना है इंसर्ट कराना है, हमारे लोअर बाउंड पे इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए क्या होगा कि हम जितने भी अपने एलिमेंट हैं उन्हें एक एक शिफ्ट करते जाएंगे, जिससे क्या होगा जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन आएगी ना वो हमारी वैकेंट हो जाएगी और वहाँ पे हम इस डेटा को बहुत ईजिली डाल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपको पता है कि इंक्रीमेंट के लिए हम फोर लूप जब भी यूज़ करते थे तो काउंटर का यूज़ करते थे, तो आप चाहे तो आई जे के कोई भी काउंटर ले सकते हैं, मैंने यहाँ एल्गोरिथम में आई लिया है। तो हम क्या करेंगे जो हमारी अपर बाउंड है, क्योंकि हमें लास्ट से आगे जाना है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ जो लास्ट जो हमारी अपर बाउंड थी जहाँ लास्ट एलिमेंट इंसर्ट था उस पे क्या कर दिया हमें उसे किसके इक्वल कर दिया आई, वहां पे क्या कर दिया हमने डिक्लेयर कर दिया उस जगह पे, ठीक है। अब जो जो हमारा अपर बाउंड है उसी जगह पे हमारा क्या हो गया हमारा काउंटर आ गया आई। अब हमने क्या किया है कि जहाँ पे हमारी अपर बाउंड थी हमने वहीं पे आई को क्या करा दिया इनिशियलाइज करा दिया, यहाँ अपर बाउंड है यहीं पे आई है, और जो जीरो इंडेक्स है वहाँ पे हमारी क्या है लोअर बाउंड है। अब जो स्टेप ये नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करेंगे रिपीट होंगे, कब तक रिपीट होंगे जब तक हमारी जो वाइल की कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, यानी जो आई है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू रहेगा लोअर बाउंड के, क्योंकि हमें क्या करना है लास्ट में जो जीरो इंडेक्स है वहाँ तक आई को लाना है और वहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, या तो हम आगे के इंडेक्स पे होंगे या लोअर बाउंड पे रहेंगे। अब बेसिकली क्या हो रहा है एल्गोरिथम के अंदर कि हम जो एक इंडेक्स है वो आगे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी अगर हमारा जो आई है वो कहाँ पे है 3 पे है तो हम कहाँ जा रहे हैं 4 पे जा रहे हैं, यानी आई प्लस 1 पे जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं जो आई की वैल्यू है उसे कहाँ डाल रहे हैं आई प्लस 1 के अंदर डाल रहे हैं, यानी जो हमारा ये इंडेक्स है 3 इसे कहाँ जा रहा है इंडेक्स नंबर 4 पे जा रहा है। तो यही सेम हमने एल्गोरिथम के स्टेप में लिख दिया कि ए आई की वैल्यू किसके अंदर जा रही है ए आई प्लस 1 के अंदर जा रही है, ठीक है, यानी जो ए 3 पे वैल्यू थी वो अब किस पे जा रही है ए 4 पे जा रही है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है फॉलो हो रही है, यानी ए जो 4 है उसके अंदर किसकी वैल्यू जा रही है ए 3 की वैल्यू जा रही है, यानी ए आई की वैल्यू किसके अंदर जा रही है ए आई प्लस 1 के अंदर जा रही है, ठीक है। आई फिर इंडेक्स नंबर 3 से इंडेक्स नंबर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, और इंडेक्स 0 यानी हमारे लोअर बाउंड पे आएगा, यानी आई में क्या हो रहेगा डिक्रीमेंट होगा, इसलिए लिखा है आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। जब आई आ जाएगा हमारे लोअर बाउंड पे, यानी जो ए आई है वो हमारी आ जाएगा ए एल बी पे, यानी एरे का जो इंडेक्स है कौन सा लोअर बाउंड वहाँ पे आ जाएगा हमारा आई, तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे अपने डेटा को इंसर्ट करा देंगे और एल्गोरिथम से क्या हो जाएंगे एग्जिट हो जाएंगे। मतलब हम क्या कर लेंगे हम कर लेंगे इंसर्शन एट बिगनिंग हम क्या कर लेंगे अपने एलिमेंट पे। तो यहाँ पे क्या होगा सेम एरे उसी तरह से बना हुआ आएगा, है ना, फाइनली में क्या आएगा सेम एरे ऐसे ही बना हुआ आएगा, इंडेक्स होंगे 0 से लेके वही 49 तक, यानी जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने होंगे हमारे 50 होंगे, और जो हमारा एलिमेंट हमने इंसर्ट कराना था वो फर्स्ट पोजिशन पर आ जाएगा और बाकी जितने भी एलिमेंट है वो आगे सब क्या हो जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी बहुत सिंपल से एल्गोरिदम है, आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आप ये एल्गोरिदम खुद से भी अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, और सिर्फ इफ एल्स का यूज करके मैंने इसे बनाया, ऊपर हेडर फाइल आप लिख के बहुत इजीली इसे प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।